सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो लेट फाइलिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो लेट टैक्स पेमेंट होता है उसके लिए इंटरेस्ट अब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल ने भी बता रखा है कि रिड्यूस्ड जीएसटी का इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या लगेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 13 जून 2021 यानी कि नेक्स्ट संडे को जीएसटी रिफंड एंड रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड जो वेबिनार रखा गया है, इसमें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलेगा। अब यहां पर आपको समझना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या स्लैब रेट दिया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप अगर नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और अपनी मंथली 3B फाइल करते हैं तो आपका इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ड्यू डेट आपकी 20, 22, 24 एज द केस में भी वही रहेगी। मार्च के लिए अगर आप बात करते हैं और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए से ऊपर तो आपको इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करना है। ड्यू डेट है आपका 20 अप्रैल, पहले 15 दिन के लिए आपको रिड्यूस्ड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा यानी कि 9%। नेक्स्ट 45 डेज के लिए आपको 18% का मिलेगा। तो एग्जैक्ट डेट क्या होगी, पहले 15 दिन, नेक्स्ट 45 डेज फ्रॉम 61st डे, इसके लिए एग्जैक्ट डेट आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं जिसके अंदर हमने डेट वाइज चार्ट बना करके आप लोगों को दिया है कि इंटरेस्ट जो है वो किस दिन तक कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मैगजीन की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके कॉपीज ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले 15 दिन, अब आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आप अपनी मार्च की रिटर्न, मार्च 21 की रिटर्न जिसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल 2021 थी उसे कब फाइल करते हैं, तो फाइलिंग डेट है लेट सपोज आज की 5 जून 2021। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा जो कि बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, पहले 15 दिन के लिए 9%, फर्स्ट 15 डेज। अब फर्स्ट 15 डेज ये कहां से काउंट होंगे, ये काउंट किए जाएंगे 20 अप्रैल 2021 प्लस 15 डेज यानी कि अगर आप 5 मई 2021 तक रिटर्न फाइल कर देते तो आपका इंटरेस्ट रेट रहता 9%। लेट सपोज आपके सेल्स के ऊपर आउटपुट टैक्स बन रहा था 1000 रुपए और आपके पास ITC थी 900 रुपए की, तो नेट पेबल जो 100 रुपए का हुआ इसके ऊपर ही इंटरेस्ट 9% के रेट से आपको पेमेंट करना पड़ता। अब हमने फाइल कब किया है रिटर्न, आज 5 जून 2021 को, तो अब हमें चेक करना होगा कि नेक्स्ट 45 डेज, तो 45 डेज का क्या मतलब, आपको ड्यू डेट से चेक करना है नेक्स्ट 45 डेज या फिर 15 दिन के बाद यानी कि जो 16वें दिन है उस पीरियड से नेक्स्ट 45 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के आपको समझना जरूरी है। तो यहां जो लैंग्वेज लिखी गई है नेक्स्ट 45 डेज, पहले 15 दिन आपको 9% का ब्याज, उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज आपको काउंट करना है यानी कि 5 मई से अगले 15 दिन 45 दिन, तभी तो वो 60 दिन होंगे फ्रॉम ड्यू डेट, तभी वो 60 दिन काउंट होंगे। अगर आप ड्यू डेट से 45 दिन कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट 45 डेज आप जब काउंट करें तो ये 15 दिन के बाद जो 16वां दिन है यानी कि 6 मई से लेके नेक्स्ट 45 डेज आपको चेक करना है। तो 6 मई से लेके नेक्स्ट 45 डेज अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोगों के सामने जो डेट आएगी
वो लगभग आएगी, इसमें 30 डेज ऐड करते हैं प्लस 15, तो 45 डेज हो गए, यानी कि 6 मई से 6 जून, एक अंदाज मैं आपको बता रहा हूं, 6 जून से अगले 15 दिन यानी कि 19 जून तक आप मान के चल सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट रेट जो होगी वो 18% लगेगी, यानी कि आपको जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 15 दिन के लिए ही मिलेगा। 15 दिन से ऊपर जाते ही आपका 18% का ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर। लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो आपको जो बेनिफिट है वो रियल में समझ में आएगा, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए तो 15 दिन का ये है, 16वें दिन से तो 18% का ब्याज लगता है। लेकिन आप मंथली फाइलर हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। इसी एग्जांपल में मार्च 21 की ड्यू डेट तो 20 अप्रैल है क्योंकि आप मंथली फाइलर थे, तो पहले 15 दिन यानी कि 20 अप्रैल से लेके पहले 15 दिन जहां पहले 9% का ब्याज लगता था वहां पर लगेगा निल इंटरेस्ट। उसके बाद 6 मई से लेके आप अगले 45 दिन अगर जोड़ दें तो 6 मई से 6 जून, 6 जून से 19 जून तक आप मान के चल सकते हैं आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो रहेगा रिड्यूस्ड परसेंटेज पे। यहां पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट 45 डेज 9% का रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लगता है, और उसके बाद 60 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 61st डे से 18% का ब्याज लगेगा। तो अब हमारे सिचुएशन में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप 5 जून को अगर फाइल करते हैं तो आपको 18% लगेगा, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको इंटरेस्ट जो है वो लगेगा 9%। तो ये जो बेनिफिट है, इस बेनिफिट के मिलने के बाद आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसमें एक चीज और समझने वाली है, अगर हमने रिटर्न फाइल किया है मार्च की रिटर्न इस पीरियड के पार होने के बाद, तो क्या जो ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट है वो पूरा 18% लगेगा? जी नहीं, इसमें आपको कैलकुलेशन इसी स्लैब के हिसाब से करना है, यानी कि अगर हमारी रिटर्न, लेट सपोज हमने अप्रैल या मार्च की रिटर्न फाइल करी है 20 अक्टूबर 2021 को, तो आपको यह देखना है कि 20 अप्रैल से पहले 15 दिन तो निल है, उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज का 9% है, फिर 60 डेज के बाद 18% है, तो उसी स्लैब के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है चाहे मर्जी आप जब भी रिटर्न फाइल करें वो मिलता रहेगा। तो इस तरीके से अब आपको इंटरेस्ट जो है हर महीने के लिए कैलकुलेट करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट किस तरीके से अब कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।